आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक बहुत पुनीत काम हुआ है। इस तरीके के काम की लंबे समय से दरकार थी। सिवनी में स्वर्गीय उत्तम चंद मालू की पुण्यतिथि पर मालू परिवार के द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। कुछ समय पहले ट्रस्ट बनाया गया, डॉक्टर यूसी मालू चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कराया गया है। आचार्य श्री जिन पीयूष सागर सरीश्वर महाराज के द्वारा इस अवसर पर सम्यक रत्न सागर महाराज, साध्वी प्रियंकरा श्री जी महाराज सा, श्री जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी महाराज, श्री चंदन बाला श्री जी महाराज की निश्रा में उनके कर कमलों के द्वारा श्री निमियूणम तीर्थ कुकलाह में इसका आरंभ कराया गया है। इस अवसर पर श्री संघ बालाघाट, कटंगी, वारासिवनी, जबलपुर, राजिम, हैदराबाद, वर्धा, नागपुर, रायपुर, चेन्नई आदि स्थानों से वरिष्ठ धार्मिक समाज सेवी उपस्थित रहे। स्वर्गीय उत्तम चंद मालू सिवनी के लिए जाना पहचाना नाम है। शुक्रवारी में जैन जो मंदिर महावीर टॉकीज के पास श्वेतांबर जैन मंदिर के जो दुकानें बनी हुई है वहाँ पर आप प्राइवेट प्रैक्टिस किया करते थे, और बाहुबली चौराहे पर बाहुबली होटल के ठीक सामने आपका निवास। उत्तम चंद मालू जी के द्वारा अपने जीवन काल में परमार्थ के काम, जो लोगों की सेवा करने को ही वे अपना धर्म समझते थे, और उनके द्वारा इस काम को अनवरत जारी रखा गया। उनके देह त्यागने के उपरांत वे जब उनके निर्वाण के उपरांत उनके दोनों पुत्रों संजय मालू और सुनील मालू के द्वारा उस काम को आगे बढ़ाया गया। डॉक्टर यूसी मालू ट्रस्ट के द्वारा एक एम्बुलेंस सेवा का संचालन कराया जा रहा है। ये सेवा, एम्बुलेंस सेवा, निशुल्क सेवा ही होगी। संजय मालू एवं सुनील मालू ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों को वे एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे और एम्बुलेंस का संचालन ट्रस्ट के द्वारा कराया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा उनसे एक अपील की गई कि सिवनी में कार्डियक ओपीडी, दिल से संबंधित ओपीडी नहीं है। सिवनी के दिल के मरीज नागपुर या जबलपुर जाने पर मजबूर हैं और उन्हें नागपुर एवं जबलपुर जाने में काफ़ी समय लग जाता है। विलंब के कारण अनेक मौत भी हो चुकी हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव पर कि सिवनी में एक कार्डियक ओपीडी का निर्माण कराने की बात पर संजय मालू और सुनील मालू के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा गया कि वे इस मामले में गंभीरता से विचार करेंगे और संभव हुआ तो सिवनी में कार्डियक ओपीडी आरंभ कराई जाएगी। नागपुर के अनेक दिल के डॉक्टर सिवनी आकर चैरिटी करने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। नागपुर के ख्याति लब्ध चिकित्सक भी सिवनी आकर निःशुल्क सेवाएँ अपनी देने को कुछ समय पहले तक तैयार थे, जो कि यहाँ सिवनी में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण, कार्डियक ओपीडी नहीं होने के कारण नागपुर के चिकित्सकों की सेवाएं सिवनी में निशुल्क नहीं ली जा पा रही हैं। यहाँ एक बात और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देखना चाहिए कि नागपुर और अन्य प्रदेशों, अन्य जिलों से सिवनी में आकर बिना सिवनी में पंजीयन कराए जो मेडिकल स्टोर में बैठ कर जो भी चिकित्सक चिकित्सा कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जानी चाहिए, उन्हें बंद कराया जाना चाहिए। और कम से कम बंद नहीं करा सकते तो जिला चिकित्सालय में वे चिकित्सक कम से कम 3 घंटे निशुल्क सेवाएं उनकी जिला चिकित्सालय में अनिवार्य कर देना चाहिए। जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग स्वयं चिकित्सक हैं, वे चाहें तो इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। बहरहाल कुकलार में एम्बुलेंस सेवा का
शुभारंभ हुआ और ये एम्बुलेंस सेवा सिवनी से संचालित होगी। संजय मालू, सुनील मालू के द्वारा बताया गया कि इसके बारे में वे विस्तार से जल्द ही बताएंगे कि एम्बुलेंस कहाँ मुहैया हो पाएगी, मरीज किससे संपर्क कर पाएंगे, मरीज के परिजन किससे संपर्क करें ताकि उन्हें एम्बुलेंस मिल पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।